हेलो दोस्तों, दुनिया में यूएसए और रशिया हमेशा से ही एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। इनकी रेस युद्ध के सामान बनाने से लेकर स्पेस तक पहुंच गई है। इनमें से कौन सबसे पहले अपना सैटेलाइट महाकाश में भेजेगा या कौन सबसे पहले चंद्रमा के धरती में उतरेगा, इसका एक होड़ लग गया था। लेकिन यूएसए और रशिया के कौन दो संस्थाएँ इस रेस में मौजूद हैं? एक है नासा, जो कि यूएसए का स्पेस एजेंसी है, और दूसरा है रशिया का रॉसकॉस्मोस। आज हम रॉसकॉस्मोस के बारे में कुछ अनसुने बातें आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए गेन न्यूज और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। रॉसकॉस्मोस रशियन फेडरेशन का एक सरकारी महाकाश संस्था है। इसका पूरा नाम रॉसकॉस्मोस स्टेट कॉरपोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज है। 2015 से पहले यह सिर्फ रॉसकॉस्मोस नाम से जाना जाता था, लेकिन 2015 में इसको यूनाइटेड रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन के साथ विलय करके एक संपूर्ण सरकारी एवं केंद्रीय महाकाश संस्था बनाया गया। सोवियत संघ के समय से ही रशिया महाकाश अनुसंधान में अपना योगदान देता रहा है। अपने प्राथमिक समय पर सोवियत स्पेस प्रोग्राम का कोई केंद्रीय संस्था नहीं था। बाद में जब सोवियत संघ टूटा और 25 फरवरी 1992 में रशियन स्पेस एजेंसी बना, इसका पहला डायरेक्टर बना यूरी कोप्टेव, जो एनपीओ लाबोचकिन नाम के एक रशियन स्पेस कंपनी के इंजीनियर थे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे पहला स्पेस स्टेशन बना था सोवियत संघ के द्वारा? 19 अप्रैल 1971 में छोड़ा गया इस स्पेस स्टेशन का नाम था सल्यूत 1। सल्यूत प्रोग्राम में बना 7 स्टेशन में से ही ये पहला स्टेशन था। वर्तमान का ISS अर्थात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5 स्पेस एजेंसी काम करती है। रॉसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, जैक्सा जो जापान का है, और कनाडा का CSA। इसमें रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट का इस्तेमाल रशिया के अनुसंधान में उपयोग किया जाता है। तो इसी ISS में लाइफ सपोर्ट सिस्टम और 2 क्रू के रहने का क्वार्टर भेजने में एक मॉड्यूल लॉन्च किया गया था। स्पेसदा नाम का ये रशियन मॉड्यूल 12 जुलाई 2000 को प्रोटोन रॉकेट से भेजा गया था। अभी ISS में लगा हुआ रशियन पार्ट का संरचनात्मक और कार्यात्मक अंश है ज्वेज्दा, अर्थात ज्वेज्दा सर्विस मॉड्यूल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा रशिया का है, जिसको ROS यानी रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट बोला जाता है, और दूसरा हिस्सा USOS यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट बोलते हैं। रशिया वाला हिस्सा देखता है रॉसकॉस्मोस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब टुकड़ों में बन रहा था, तब उसका पहला मॉड्यूल बना था जारिया, जिसको फंक्शनल कार्गो ब्लॉक भी बोलते हैं। 20 नवंबर 1998 में एक प्रोटोन के रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। ISS तैयार होने के पहले स्टेज में ये इलेक्ट्रिकल पावर, स्टोरेज, प्रोपल्शन एवं गाइडेंस में मदद किया था। सल्यूत 1 के बाद रशिया का और एक गुप्त स्पेस स्टेशन प्रोग्राम बना था। अल्माज नाम से बना ये स्पेस प्रोग्राम के तहत 1973 से 1976 के बीच 3 स्पेस स्टेशन महाकाश में भेजा गया था, सल्यूत 2, सल्यूत 3, सल्यूत 5। रशिया यहाँ पर ना रुक के 1977 में सल्यूत 6 नाम का और एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। सल्यूत 6 3 क्रू क्षमता वाला स्पेस स्टेशन था। इसने ऑर्बिट में 1764 दिन बिताए थे। इसके बाद आया सल्यूत 7 और मीर। मीर अब तक का सबसे पावरफुल और बहुत दिनों तक लो अर्थ ऑर्बिट में रहने वाला रशियन स्पेस स्टेशन था। 1986 से 2001 तक एक्टिव रहने वाला स्पेस स्टेशन बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका था। तब यह सबसे ज़्यादा दिनों तक सक्रिय रहने वाला स्पेस स्टेशन था। हालांकि 2010 में ISS इसका रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मीर 3664 दिनों तक स्पेस में रहा और एक बड़ा माइक्रोग्रेविटी रिसर्च लेबोरेटरी बना। स्पेस से जुड़े अनेक अनुसंधान से लेकर बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स
और कई क्षेत्र में कई प्रयोग किए गए थे। अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो क्यू मेंबर्स हैं उनके लिए रॉसकॉस्मोस का ही एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता है। प्रोग्रेस नाम से बना ये स्पेसक्राफ्ट क्यू मेंबर्स के लिए खाने के सामान और बहुत सारे ज़रूरत के हिसाब से सामान भेजने में काम आता है। रशिया के द्वारा बनाया गया सोयूज नाम से स्पेसक्राफ्ट का एक श्रृंखला सबसे ज़्यादा महाकाश यात्री को ले जाने में काम आया। पहले ये सोवियत स्पेस प्रोग्राम के अंडर था, फिर सोवियत संघ टूटने के बाद रॉसकॉस्मोस के अंडर ये स्पेसक्राफ्ट अभी भी काम कर रहा है। पहले 1966 में बिना इंसान, फिर 1967 में मानव सहित स्पेस स्टेशन पर क्रू भेजने वाला सोयूज स्पेसक्राफ्ट आज भी अपना कार्य करता है। रॉसकॉस्मोस का हेडक्वार्टर है मॉस्को शहर में। इसका मुख्य कंट्रोल केंद्र है आरकेए मिशन कंट्रोल सेंटर, जो कि मॉस्को ऑब्लास्ट में स्थित एक शहर कोरोलियोव में है। लेकिन महाकाश में भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देने के लिए बना यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर मॉस्को ऑब्लास्ट में ही एक जगह स्टार सिटी में बना है। और रॉसकॉस्मोस का दो प्रमुख लॉन्च साइट है, बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम और वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम। बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम दुनिया का सबसे पहले बना स्पेस लॉन्च फैसिलिटी। कजाकिस्तान का यह जगह रशिया ने लीज पे लिया हुआ है। और दोस्तों, यही वो लॉन्च फैसिलिटी है जहां से सबसे पहला भेजा गया कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 और दुनिया का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान वोस्तोक 1 यहीं से छोड़ा गया था। वोस्तोक 1 से ही सबसे पहला मानव यूरी गागरिन अंतरिक्ष यात्री थे। आजकल अंतरिक्ष के कुछ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स मिलते हैं महाकाश में छोड़ा गया कुछ सैटेलाइट्स और उनमें लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे से। इस टाइप का एक सैटेलाइट सीरीज है रिसोर्स पी। यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका काम है धरती पे अंतरिक्ष में खींचे गए हाई रेजोल्यूशन चित्रों को भेजना। अब रशिया के स्पेस मिशंस और अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूँ। पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 का मास्टरमाइंड था इंजीनियर सर्जेई कोरोलेव। यूरी गागरिन दुनिया का सबसे पहला महाकाश यात्री था। खगोल यात्री अलेक्सेई लियोनोव पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष मिशन वास्को 2 के दौरान यान से बाहर अंतरिक्ष में 12 मिनट 9 सेकंड बिताए थे। खगोल यात्री वैलेंटिना व्लादिमिरोवना तेरेस्कोवा दुनिया की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी। इनको लेकर गए थे वोस्तोक 6 नाम का पहला महिला ले जाने वाला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। वैलेंटिना ने स्पेस में 3 दिन बिताए थे और इस दौरान उन्होंने स्पेस फ्लाइट से 48 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया था। तो दोस्तों, रॉसकॉस्मोस के बारे में यही थे कुछ खास बातें, लेकिन इसका लिस्ट अभी भी जारी है और जारी ही रहेगा। तब मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।